हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। दोस्तों मैं आज ये आपके सामने बहुत बड़ा फॉल्ट लेके आया हूँ। ये मेरे पास BS6 HF Deluxe है, जिसका जो टाइमिंग वाली जो क्रैंक पे गरारी लगती है उसको कंपनी ने उल्टा फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, इसके अंदर अभी यानी कि थोड़े दिन और चलती बाइक, लगभग 1500 और चलती तो इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। तो अभी इसको कैसे निकालते हैं और कैसे इसको फिटिंग करते हैं वो आप देख लीजिए। हमारे पास ये सरिये का जो बनाया हुआ एक पुलर है, जिसकी सहायता से अपने जो टाइमिंग वाली गरारी है पीछे वाली क्रैंक पर लगती है उसको इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, बिल्कुल कंपनी ने 100% नहीं 1000% इसको उल्टा फिटिंग किया हुआ है। ये कंपनी का बहुत बड़ा लापरवाही है दोस्तों। ऐसे फॉल्ट से बचने के लिए आपके बाइक के अंदर कोई भी मिस्टेक आती है तो आपको कंपनी में चेक ज़रूर करवाना चाहिए। इस भाई ने चेक करवाया, हमने खोल के देखा पूरा सिस्टम, तो ये निकला। ये इस तरीके से जो वाली गरारी है ऐसे फिटिंग होती है, और वो आपने देखा कि जो उल्टा फिटिंग किया हुआ था। इस तरीके से इस गरारी को अपने फिटिंग करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छी बात जो है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। यदि ऐसा दिक्कत आता है आपके पास तो आप इसको सीधा, कोई भी टाइमिंग नहीं है इसके अंदर, डाल के थोड़ा सा ऊपर हल्का चोट लगाना है फिक्स चीज़ लेके, और फिक्स चीज़ लेंगे तो उससे अच्छा ये ठुकाई हो जाएगा इसके अंदर, और कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये सेट हो जाएगी। इसका कोई भी टाइम नहीं रहता, बाइक के अंदर खर्चा होने से बच गया। क्योंकि हमने ना इसको खोल के देखा, हेड खोल के देखा कि कहीं बाल बेंड नहीं हो गए, टाइमिंग आउट थी, और दूसरा पिस्टन भी ख़राब नहीं हुआ। हमारी दोनों चीज़ें जो है वो बच गई, और ये एक छोटी सी लापरवाही के कारण इतना खर्चा बच गया बाइक का। फिर भी इसको खोलना पड़ा, इतनी मेहनत लगी है दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको फिटिंग करना है, और अभी एक बार मैं आपको इसको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। ये अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुकी है गरारी, ये देखिए, और अभी इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। आप इस तरीके से इसको फिटिंग कर सकती हैं यदि ऐसा फॉल्ट आपके सामने आता है। ये देखिए बिल्कुल सही है। और अभी मैं आपको हमारी बाइक का जो ये पिस्टन था वो भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो बाल बेंड होने से भी बच गई बाइक, और दूसरा पिस्टन भी हमारा जो है बच गया। तो इस तरीके से गरारी को फिटिंग करना है, और वो आपने देखा कि उल्टा फिटिंग किया हुआ था। एक बार और देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए, जो दांते वाले साइड है वो अपने अपनी तरफ रहेगा, और दूसरा जो साइड है वो बेयरिंग की तरफ रहेगा। ये देखिए, हमारा पिस्टन जो बच गया, थोड़ा सा वॉल लगा था इन वाली साइड के अंदर छोटे वाला, बट हमारा पिस्टन बच गया।